फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मूली का पराठा। मूली का पराठा बनाने के लिए मैंने 3 बड़े साइज की मूली ली है और ये 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मूली को छीलकर और मोटे कद्दूकस से ग्रेट करके नमक मिलाकर रख देंगे। ये देखिए, मूली हमने ग्रेट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे। और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इसको प्लेट लगाकर ढक के रख देंगे। और जो ये आटा लिया है हमने, इसके अंदर अब हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1 छोटी चम्मच, और 1 छोटी चम्मच हींग डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी लगा डालकर इसका डो लगाकर रेडी करेंगे। ये देखिए, मूली हमने कद्दूकस कर ली थी, इसको नमक और हींग डालकर और धनिया पत्ती डालकर इसको हमने थोड़ी देर रख दिया था। अब हम क्या करेंगे, इसका पानी अच्छे से निचोड़ेंगे। ये देखिए, इसके अंदर कितना पानी निकलता है। उसके बाद हम इसका नाश्ता बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, आटा हमारा सेट हो चुका है, मूली हमने निचोड़ कर रख ली थी। अब हमने गैस पर तवा चढ़ा दिया है। हम ये मूली का पराठा लोहे के तवे पे बनाकर रेडी करेंगे। आप नॉन स्टिक में भी बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आटे की लोई लेंगे और इसको इस तरीके से राउंड करेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके इस तरीके से हम लोग बेल कर रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा 1 पराठा बन रहा है, अब दूसरा पराठा हम बना रहे हैं। इसके लिए एक टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। हम लोग अगर जो सूखा आटा डस्ट करते हैं उसको इस लोई जो हम लोग भर रहे हैं मूली के पराठे में, मूली क्रश करके रेत के रखी है उसके अंदर, उसमें अगर थोड़ा सा ये गेहूं का आटा, फ्रेंड्स अगर हम लोग थोड़ा सा गेहूं का आटा इसके ऊपर लोई में लपेट लेंगे तो हमारा पराठा अच्छा बनेगा। ये देखिए, हम आपको बेल के दिखाते हैं। ये देखिए, आप जितना पतला चाहें उतना पतला बनाकर इस पराठे को रेडी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए हमने कितना पतला पराठा बेल कर रेडी किया, मैं आपको अभी पास से दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा पराठा कितना पतला बनकर, अब हम इसको तवे पर सिकने के लिए छोड़ देंगे। जब हमारा पराठा एक तरफ से सिक जाएगा तब हम इसको दूसरी तरफ से पलटकर सेकेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जब तक हमने एक पराठा सिकने के लिए रखा है तब तक हम आपको फिर से दिखाते हैं। ये आटे की लोई लेंगे, ये मूली का लच्छा जो हमने क्रश करके निचोड़ के रखा है उसके अंदर अगर हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से आटा डस्ट में डस्ट कर लेंगे तो हमारा पराठा अच्छा बनेगा और फटेगा भी नहीं। ये एक टिप्स है आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं मूली का पराठा बनाने की। एक तरफ से सिक गया था, अब हमने उसके अंदर ऑयल लगा दिया। फ्रेंड्स, मैं ये पराठा देसी घी में सेक के रेडी कर रही हूँ, आप रिफाइंड या कड़वा तेल में भी सेक सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो आपके साथ स्टफिंग को आटे में डिप करके लेकिन टिप्स शेयर की, वो इसलिए शेयर करी इस तरीके से अगर हम लोग पराठा भरेंगे तो हमारे पराठे में चारों तरफ स्टफिंग जो हमने भरी है वो बराबर से फैलेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक पराठा बनकर रेडी हो गया। अब हम इसी तरीके से दूसरा पराठा भी सेक कर रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, हाँ, हम आपको याद दिला दें कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और बेल आइकन प्रेस करिएगा। हम अपने चैनल पर, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक पराठा इसी तरीके की रेसिपी लाते रहते हैं अच्छी अच्छी। और ये देखिए, हमने दूसरा पराठा सीखने के लिए रखा है। हम इसको चारों तरफ से
गोल्डन ब्राउन होने तक सेक कर रेडी करेंगे। ये देखिए मेरा पराठा कितना अच्छा बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये पराठा भी बनकर रेडी हो गया है। इसी तरीके से हमें जितने भी पराठे बनाने होंगे हम उनको सेक कर रेडी कर लेंगे। हम आपको पास से दिखाते हैं कि ये मेरा पराठा कितना सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ। अब हम इसको प्लेट में डिमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए मेरा पराठा बनकर रेडी हो गया है। मैंने आपको दिखा दे फिर से कि ये मेरा पराठा कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा बनकर रेडी हुआ। ये देखिए अंदर तक स्टफिंग दिखाई पड़ रही है। फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से बनाइएगा। और हाँ दोस्तों, फिर से मैं आपको याद दिला दूं, ये देखिए कितनी अंदर तक स्टफिंग इसमें दिखाई पड़ रही है। आप भी इस तरीके से बनाइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस और वीडियो को शेयर करिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो फेसबुक पर भी डालते हैं, वहां पर भी आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। मैं इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप अपनी मनपसंद चटनी, दही इसके साथ सर्व करें। इसको आप नाश्ते में, खाने में कभी भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं।